किरण, हमने देखा है कि आज के ट्रेड में आप देखिए आरकॉम जैसे स्टॉक, रिलायंस कम्युनिकेशन, उन्होंने ये खबर आई जिस तरह से कि बुक फील्ड के साथ वो टावर के बीच में, उसके बाद सुबह जी बिजनेस ने खबर दी, हमने देखा शेयर में भी 9% की मजबूती देखने को मिल रही है। इस खबर के इम्पैक्ट को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपको लगता है कि आरकॉम में तकनीकी तौर पर यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है, आरकॉम में खरीदारी करनी चाहिए खासतौर पर? इसके अलावा बाकी एडीजी स्टॉक्स पर क्या रहा है आपकी? रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में पहले बात करेंगे तो इसने एक बुलिश वेज का ब्रेकआउट आज दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहना चाहिए। डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी हद तक बढ़ते नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस अगर ये सब देखते हैं तो ये स्टॉक जो 38 के करीब ट्रेड कर रहा है वो 42 से लेके 44 तक जाने की संभावना बनती है। इस ट्रेड के लिए 36.50 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे एडीजी स्टॉक्स में देखा जाए तो सारे के सारे स्टॉक्स वैसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर रिलायंस डिफेंस, तो रिलायंस इंफ्रा में बाय करने की सलाह होगी, इधर से भी एक बढ़त देखने को मिलेगी। रिलायंस पावर भी अच्छा दिखाई दे रहा है, रिलायंस कैपिटल ये भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इन जनरल रिलायंस एडीएजी ग्रुप अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर रिलायंस डिफेंस। कहने का रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस अच्छी बात, उन्होंने कहा कि रिलायंस डिफेंस को छोड़िए बाकी जो रिलायंस के स्टॉक्स है उस पर नजर दौड़ाई, उनको लगता है कि इन तमाम शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। वैसे भी एक्सपायरी के एक हफ्ते पहले इन स्टॉक्स में देखा सर्च देखने को मिला, तमाम शेयर एफ में ट्रेड होते हैं तो नजर बना के चल सकते। रिलायंस कम्युनिकेशन को लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, रिलायंस कैपिटल को पसंद है, रिलायंस इन्फ्रा उनको लगता है कि मजबूती दिखा सकता है। दो तीन सेक्टर और देखिए फटाफट, खासतौर पर छोटे छोटे सेक्टर, पैकेजिंग शेयर में देखा एसएल प्रोपैक ने कहीं ना कहीं तेजी को लीड किया है। एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो आप चैनल देख रहे हैं वो एसएल ग्रुप से जुड़ा हुआ चैनल है, एसएल प्रोपैक भी एसएल ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अलावा ओरियन को इंटरप्राइजेज मल्टी पैकेजिंग से स्टॉक्स में हल्की खरीदारी है। इसके अलावा आप देखिए सीमेंट स्टॉक्स, वहां भी तेजी है, कुछ खासतौर पर छोटे मॉडल सीमेंट स्टॉक्स, प्रीम सीमेंट, ओरियन सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, रैमको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट। सीमेंट छोटे मॉडल शेयर में कोई एक पसंद, और पैकेजिंग में किस शेयर को आप पसंद करेंगे? तो एक ही नाम आता है एसएल पैकेजिंग, दूसरा कोई उसके सामने में करीब भी नहीं आता। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मनीष जी, मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है। इधर से भी छोटे छोटे करेक्शंस करते करते ये स्टॉक और भी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर अगले 2-3 महीने की बात करें तो 300 रुपए के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में, तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है, पर डिलीवरी बेसिस में ज्यादा कन्विक्शन है। दूसरे जो सीमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो हेडलबर्ग सीमेंट मुझे चार्ट पे अच्छा दिखता है और मुझे लगता है कि इधर से ये बढ़त देखने को मिल सकती है। 114 के करीब ट्रेड कर रहा है, 112 का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 120 से 122 रुपए के टारगेट अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। जेके लक्ष्मी भी ऐसे ही कुछ काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि जेके लक्ष्मी में भी एक बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। इसका भी स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 338 का और टारगेट के लिए 360 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अगले हफ्ते तक आ जाने चाहिए। तो इन जनरल सीमेंट क्षेत्र के बहुत स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं।